नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की चुनाव समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर गांधी परिवार के सदस्यों से आग्रह किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से वे ही चुनाव लड़े। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को अब ये जानकारी दे दी है। अजय राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति ने रविवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य ही आगामी लोकसभा चुनाव से रायबरेली और अमेठी से लड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन संसदीय क्षेत्रों की जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे यहीं से चुनाव लड़े। अजय राय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उम्मीदवारों की अगली सूची में गांधी परिवार के सदस्यों के नाम जरूर देखेगी। राय ने कहा कि प्रस्ताव को केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है और अंतिम निर्णय सीईसी यानी कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति का होगा। इससे पहले बीते 6 मार्च को प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया था कि पार्टी नेता राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में एक बैठक में शामिल होकर लौटे पार्टी की अमेठी जिला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार होने वाले हैं और उनके नाम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2004 से 2019 तक संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। 2019 के आम चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही स्मृति ईरानी से हार गए थे। राहुल वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।